देखिए, हमने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, जीरोथ लॉ पढ़ लिया, थर्ड सेकंड लॉ पढ़ लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी और हमारा काम चल भी रहा था। अब बात कर रहे हैं हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो कहाँ जाके ख़त्म होंगे ये मत पूछना, कि आगे बहुत हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जीरो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तक ही है। तो हेडिंग डलेगा हमारे लिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हाँ, इसके बाद भी है ऑफ थर्मोडायनामिक्स, TD। क्या कहता है ये? देखिए, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ से हमें एंट्रोपी पता चली थी, लेकिन हम ये नहीं बता पा रहे थे, हम सिर्फ इतना बता पा रहे थे चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ एनी प्रोसेस। लेकिन जब हमें पता चला कि यार रेफरेंस पॉइंट बनाना चाहिए, तो ये वही है, ये रेफरेंस पॉइंट बताता है, यानी दिस लॉ गिव्स द रेफरेंस पॉइंट ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, तो पहला फर्स्ट पॉइंट यही है, दिस लॉ, लिखते जाइए, शो द रेफरेंस ऑफ एंट्रोपी, रेफरेंस पॉइंट ऑफ एंट्रोपी। इससे मैंने कहा, भाई कौन सा रेफरेंस पॉइंट लेना चाहते हो? इसने कहा जीरो केल्विन टेम्परेचर पर प्योर सब्सटेंस के लिए एंट्रोपी क्या होती है? जीरो। तो ये हमारे लिए हो गया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस एट जीरो केल्विन, जीरो केल्विन। पहले तो आप ये बताइए, जीरो केल्विन का मतलब है क्या? जीरो केल्विन का मतलब एक ऐसा केल्विन स्केल है जिसको आप एब्सोल्यूट स्केल भी बोल सकते हो, तो हम इसको बोल सकते हैं जीरो केल्विन को, जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे सेंटीग्रेड में होता है तो हम सेल्सियस स्केल बोल सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है? एब्सोल्यूट स्केल चलता है, जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज एज्यूम जीरो, एज्यूम जीरो, हमने मान लिया जीरो है, यानी एंट्रोपी की वैल्यू, कोई भी प्योर सब्सटेंस ले लो आप, ये हमने ले लिया द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ हीलियम एट टी इक्वल टू जीरो केल्विन इज जीरो। बहुत अच्छा है, हमने प्योर हीलियम गैस लिया, तो इस जगह हीलियम जीरो केल्विन पे क्या होगा? सॉलिड, हर चीज़ सॉलिड होती है। तो ये हमारे लिए पहली चीज़ हमारे पास आ गई, और अब हमारे को मालूम है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी, वी नो दैट, यस और नो? तो हमारे को किसी ने कहा डीएस की वैल्यू क्या है? डी क्यू बाय टी, यस और नो? तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एंट्रोपी भी बढ़ती जाएगी। वाह, अजीब सा लग रहा है कि डीएस बढ़ता जाएगा, टी बढ़ेगा, तो डीएस तो कम होना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि हमारे लिए डीएस डी क्यू बाई टी है, लेकिन डी क्यू ऑल्सो है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो नेट टेम्परेचर ऊपर आएगा, रिमेंबर दैट। डी क्यू इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सो नेट डीएस प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आएगा। ये एक छोटा सा पॉइंट है, आप जानते हैं डीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा? सपोज एनसीवी डीटी कर लिया आपने अपॉन टी, तो क्या हो जाएगा? 2.303, अगर हम बात करें आइसो, तो एनसीवी एल लॉग T2 बाय T1 या लॉग टी। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये बढ़ेगी? हाँ, सिर्फ ये हिंट देने की बात है मेरे पास। कई बार ऐसा भी होता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, फिर भी एंट्रोपी बढ़ रही है, और वो कब होगा? जब प्रोसेस में स्टेट चेंज हो रही होती है। इन केस व्हेन स्टेट ऑफ मैटर
इज चेंज या चेंजिंग देन टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट बट डेल्टा एस इंक्रीजेस. आप डी क्यू दे रहे हो लेकिन टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि वो सारा हीट आपकी स्टेट को चेंज करने में लग रही है और इस जगह तो बहुत ज्यादा तेजी से एंट्रोपी चेंज होगी. तो क्या एंट्रोपी चेंज होने के लिए टेम्परेचर का चेंज होना जरूरी है? नहीं, एंट्रोपी चेंज होने के लिए हीट का आना जरूरी है, ना कि टेम्परेचर का चेंज होना. हीट ट्रांसफर होना जरूरी है. हाँ, तब जीरो हो ही जाएगा, डिफरेंस पॉइंट हो गया आपके पास. टी की वैल्यू जीरो है तो हम ये मान लेते हैं कि उस जगह हमने एस की वैल्यू जीरो मानी है. होगा या नहीं होगा वो हमें नहीं मालूम क्योंकि टी केल्विन में जीरो होना है, मैंने एज्यूम ही कहा है आपको, सही है. तो अगर आप यहाँ पर रखेंगे कि डी एस, कोई भी सब्सटेंस ले लो आप, जो आपके पास जीरो केल्विन से टी केल्विन तक गया है और उसने स्टेट चेंज कर ली और यहां पर वेपर में भी आ गया, यानी किससे चेंज हुआ है? सॉलिड से वेपर में चेंज हो गया. अब आप सोचो कि कैसे कितना चेंजेज हुआ होगा. एक तो होगा डीएस, कौन सा, सॉलिड टू लिक्विड, फिर प्लस डीएस, कौन सा. अब डायरेक्ट सॉलिड तो लिक्विड नहीं पहुंचाएंगे, जबकि सॉलिड तो सॉलिड ही चलने दो. जीरो टू कहां पर लेके जाएंगे, फ्रीजिंग पॉइंट तक. जीरो केल्विन टू जीरो डिग्री सेंटीग्रेड वाटर के केस में, बिल्कुल सही है. और फिर ये सॉलिड टू लिक्विड में चेंज होगा, फिर उसके बाद लिक्विड से लिक्विड कौन सा, फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक, फिर उसके बाद डीएस लिक्विड टू वेपर, फेज चेंज करने में, फिर उसके बाद डीएस वेपर टू जो भी आपके पास टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट टू टी टेम्परेचर तक. तो एक दो तीन चार पांच आपके पास चेंज हुए, तो पांच बार आपके पास चेंजेज देखने को मिल रहा है. अगर आप इसका कर्व बनाएंगे तो कैसा बनेगा, मान लीजिए इसका नाम डेल्टा एस वन है, टू है, थ्री है, फोर है और ये फाइव है. तो कर्व किस तरह का बनेगा, एंट्रोपी और टी कर्व. जीरो टेम्परेचर पे गया तो ये आएगा हमारे पास एन, फिर ये ज्यादा, तो ये जो टेम्परेचर होगा ये आपके पास हो जाएगा टी फ्रीजिंग पॉइंट और ये आपके पास हो जाएगा टी बॉइलिंग पॉइंट बीपी. तो देखो ध्यान से, पहले मेरे पास आया डेल्टा एस वन, फिर ये आया डेल्टा एस टू जो कि सॉलिड टू लिक्विड, यानी कि इसे फेज ट्रांसफर आया, टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट है और उसकी वैल्यू है फ्रीजिंग पॉइंट. फिर आया नेक्स्ट डेल्टा एस थ्री, फिर डेल्टा एस फोर, फोर हो गया और ये वन टू थ्री फोर और ये फाइव पर्टिकुलर. और मुझे इतना मालूम है कि ये जो वैल्यू है, ये डेल्टा एस टू की जो वैल्यू आएगी, ये पता है क्या आएगी, डेल्टा एच अपॉन टी फ्रीजिंग पॉइंट और ये बहुत बड़ी होगी, बहुत कम होगी, बिल्कुल सही बात है. क्यों, क्योंकि यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू भी कम है, हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा वो भी कम है, एफ फोर फ्यूजन, और ये कम होगी किससे, डेल्टा एस फोर जिसकी वैल्यू क्या है अपने आप में, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी बॉइलिंग पॉइंट. इसीलिए मैंने ये गैप छोटा बनाया और ये गैप बहुत बड़ा बनाया.
कुछ समझ में आया? ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे लिखे हैं इसको। ये है हमारे लिए थर्ड लॉ और उससे रिलेटेड कर्व।